Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello friends, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको सात ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां की नेशनल आईडी आप पैसों के एवज खरीद सकते हैं, वहां पे फंड्स देके या इन्वेस्ट करके आप वहां की नेशनल आईडी ले सकते हैं। और नेशनल आईडी लेने के लिए 3 से 6 माह लगते हैं, ठीक है। 3 से 6 माह के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो इन 7 कंट्रीज़ में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी मैं इन कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में, जो अपनी नेशनलिटी डोनेशन या इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको दे देती हैं 3 से 6 महीने के अंदर, ठीक है। सबसे पहली जो कंट्री हमारे पास आती है वो है सेंट किट्स नेविस। सेंट किट्स नेविस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। पूरे यूरोप में इसके पासपोर्ट पे आप पूरे यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2,50,000 अमेरिकन डॉलर्स डोनेशन देना है। 2,50,000 अमेरिकन डॉलर अगर आप डोनेशन देते हैं या 4,00,000 अमेरिकन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंट्री में, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन की कंट्री है वो है सेंट लुशिया। सेंट लुशिया ये भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। इनके नेशनल इकोनॉमिकल फंड में अगर आप 1,00,000 डॉलर्स जो है वो फंड जमा करते हैं या 3,00,000 अमेरिकन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको यहाँ की भी नेशनलिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा भी इनके पास ऑप्शन है नेशनलिटी देने का, अगर आप यहाँ पे किसी इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में 3,50,000 अमेरिकन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में भी आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। फिर आते हैं हम जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास वो है डोमिनिका। डोमिनिका 110 कंट्रीज़ में आप डोमिनिका के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड नामी एक फ़ंड है इनका गवर्नमेंट का, वहाँ पे अगर आप 1,00,000 US डॉलर फंड जमा करते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आपको नेशनलिटी मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को भी नेशनलिटी मिले तो आप 2,00,000 अमेरिकन डॉलर यहाँ पे फंड जमा करेंगे, फ़ंड जमा कराएंगे तो आपको फैमिली के लिए भी नेशनलिटी मिल जाएगी, आपकी फैमिली को भी पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है ग्रनाडा, ठीक है। ग्रनाडा भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे 2,00,000 अमेरिकन डॉलर आप डोनेट करते हैं, फ़ंड देते हैं या 3,50,000 अमेरिकन डॉलर्स रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई ज़मीन खरीद ली वहाँ पे, कोई विला ले लिया, कोई अपार्टमेंट ले लिया, तो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, कुछ ख़रीदा है प्रॉपर्टी, तो भी आपको 3 से 6 महीने के अंदर नेशनलिटी मिल जाती है। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करेंगे हम। न्यूजीलैंड के बारे में तो हर कोई जानता है, बहुत फेमस कंट्री है, ठीक है न्यूजीलैंड, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बड़े लोगों के लिए है। अगर आप 3 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 4 साल के लिए, 3 मिलियन न्यूजीलैंड के डॉलर्स आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। या तो फिर 10 मिलियन डॉलर्स जो है वो आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है, ठीक है। यूरोप की बात करते हैं हम, यूरोप में शेंजन कंट्रीज़ में आते हैं, तो यूरोप में भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी नेशनलिटी सेल करती हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइप्रस के बारे में। साइप्रस एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, लेकिन पावरफुल पासपोर्ट है उसका, पूरे यूरोप में आप जो है वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और उसके अलावा भी कई कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं साइप्रस के पासपोर्ट पे। साइप्रस में अगर आप रियल इस्टेट में 2 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं 2 मिलियन यूरोज़ तक की, तो आपको वहाँ की नेशनलिटी 3 से 6 महीने के अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है माल्टा। माल्टा के पासपोर्ट पे 106 कंट्रीज़ दुनिया की वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं पूरे यूरोप समेत, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फंड जमा करना होता है। फंड अगर आप डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, 6.5 लाख यूरोज अगर आप डोनेशन जमा करते हैं इस कंट्री में, तो आपको यहाँ की भी नेशनलिटी इजीली मिल जाती है 3 से 6 महीने के अंदर। इस सूरत में जो है आपको ना वहाँ स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, ना आपको TR PR किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 3 से 6 महीने के अंदर उस बंदे को नेशनलिटी मिल जाती है जो फंड देता है या इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, तो इन सब कंट्रीज़ में मिल जाती है। और इनके पासपोर्ट पावरफुल हैं, दुनिया भर के कई ममालिक में लोग जा सकते हैं इन पासपोर्ट्स पे। ठीक है, तो ये इजी वे है उन लोगों के लिए जिनके जेब में पैसा है। ठीक है, जिनकी जेब में पैसा नहीं है उनके लिए भी मैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी कंट्रीज़ में वो लोग जाके इजीली नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं और उस पासपोर्ट के थ्रू वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज की ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, जो भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में लिख के पूछें, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।